टीवीएमएच न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक मिल सके। आदाब, मैं कनीस फातिमा, टीवीएमएच न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। मोहम्मद इस्माइल उर्फ अंसारी, उर्दू अंसारी, बीआरएस नेता, अध्यक्ष कारवाने उर्दू मोहम्मद गाजियोद्दीन, अध्यक्ष सीनियर सिटी वेलफेयर कमेटी श्री कृष्णा शर्मा, जनरल सचिव सभी जोन, डीसीपी श्री साई चैतन्य, आईपीएस सौ जोन। के हमदर्द गरीबों के जनाब के जिलों में रहने वाले आज चाहे साई चितानिया साहब हमारी दावत इफ्तार की पार्टी में है, हम खैर मुकदम करते हैं। साहब आप गरीबों के दिलों में है, आप माओ के दिलों में है, आप भाइयों के दिलों में है, आप बहनों के दिलों में है। आज साई चितानिया साहब की वो शख्सियत है सारे हैदराबाद के अंदर, आप जानते हैं कि अपनी नींद को तर्क कर देते हैं, अपने चैन को तर्क कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को तर्क कर देते हैं। इंसानियत के लिए आपका परचम बुलंद होता है, इंसानियत के लिए काम करने वाला ये वह शख्स है। ऐसे लोगों के लिए किसी कलमकार ने कभी दिखा था कि जलते हुए दिए, जलते हुए दिए की लौ पर तो हर परवाना ही रख करता है, लेकिन मुस्लिम का तो आपका नई परिस्थिति का हसीन अंदाज है। हंसने वाले के साथ तो गवाना हंसता है, लेकिन रोने वाले के आगे अपना दामन तक नहीं फैलाता ताकि उसके आंसू खोल सके। जिंदगी तो वही है जो दूसरों के काम आए, यो तो शमा की तरह जो खुद जलकर दूसरों को रास्ता बताती है। जिस भी साहब की जिंदगी भी उस शमा की मानिंद है जिसकी लौ में सारा हैदराबाद कामयाबी के साथ आज रवा गवा है, आगे बढ़ रहा है। अल्लाह हम तेरे से भी दुआ करते हैं मालिक, हमारे शहर हैदराबाद को, हमारी तेलंगाना स्टेट को, हमारे सीएम साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे डीसीपी साई चितानिया साहब को, जितने जुल्म के डीसीपी थे उन सबको तू सलामत रख, तंदुरुस्त रख, अच्छा रख। इनके कलम से, इनके वजूद से, इनके जज्बे से, इनके मर्तबे से अल्लाह वो काम ले जैसे इंसानियत का परचम बुलंद हो सके और लोगों की दुआएं इनके साथ रहे। साहब की आमद पर हम इनते ममनून और मशकूर हैं। मैं रेस्पेक्टेबल डीसीपी साहब से ख्वाहिश करूंगा कि आप प्याम अमन दे, प्याम मसरत दे, प्याम खुशी दे, क्योंकि साहब बहुत ही शार्प नोटिस में हम आए, आप आए हैं, क्योंकि आप किस दौर से गुजरे हम जानते हैं। हम अल्लाह से हाथ जोड़ के साहब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, पुराने शहर को, नए शहर को, सब कुछ सलामत रखे, कायम और आबाद रखे, अपनी फला की चादर के साहब में रखे। भाई एक इधर देखिए किरणा हो रहा है, मारा गया किन सवाल हमारा प्यारा बीस था पीस कमेटी के मेम्बर्स को सबको सलाम वालेकुम। भाई रोज़ा जो है हमारा इस्लाम के पांच रुकून में एक इम्पोर्टेंट रुकून है, तो ये रोज़ा में पेशेंस सिखाता है। रोज़ा रमज़ान का महीना ही है जो ये सिखाता है कि हमारा खाना कभी रुक के बाकी लोगों को खाना खिलाना, जो सर्विस जो होते हैं वो रमज़ान का महीना हमको सिखाता है, इसलिए बाकी महीना बोला जाता है। और इसमें एक शबे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने के रहा, जिस जिससे हम लोग मानते हैं कि जिससे हमारा कुरान शरीफ नाजिल हुआ वो देखने के रात भी इस महीने में, तो शबे कदर, शबे कदर, तो ये इतना या इतना या इतना पयस महीना है, तो हम लोग आप लोग जैसे यहाँ पे हमारे जितने भी भाई यहाँ पे रोजा रख के अभी सभी लोग यहाँ पे बैठे, बट इस मौके पे हम ये बोलना हैदराबाद की शहर जो गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है उसको हम लोग, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको हम आगे जनरेशन तक पहुँचाएँ। ये पहुँचाने का तरीका क्या है, हमारे बच्चों को, हमारे औलादों को, हमारे जो भी शागिर्दों को, सबको ये सिखाना है हम कितना मेहनत करके ये अमन को रख रहे हैं। और जो बाहर से जो भी आते हैं जो मेहनत ये अमन को ख़राब करने का कोशिश करते हैं उनके अगेंस्ट हम कितना फाइट करना पड़ रहा है, ये सारी करके फाइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमको बाकी लोगों को सिखाना है, बाकी लोगों को बताना है।
आप भी जानते हो, जैसे अमन अमन के साथ ही डेवलपमेंट है, अमन सब सारी एक रिलीजन नहीं, सारी रिलीजन यही बोलते हैं कि जो पीस का इम्पोर्टेंस जो है कोई एक रिलीजन पे नहीं है, सारी रिलीजन यही बोलते पीस का इम्पोर्टेंस क्या है, सर्विस का इम्पोर्टेंस क्या है, सब रिलीजन बोलते हैं। हम अभी जो रमज़ान का महीने में ये जो इम्पोर्टेंस को सबको बताना है, करवा दो, ये रमज़ान का महीना ही वैसे है कि सबको हम लोग खुद महसूस करते हैं क्या सेल्फ जो दूसरों को सर्विस। और जैसे कि अभी अंसारी साहब, मेरा ड्यूटी है जो हम कर रहे हैं, सरकार ने हमको अपॉइंटमेंट दिया, अपॉइंटमेंट में पोस्टिंग दिया, और ऊपर वाले की कृपा से हम और आपके हेल्प से लिटल जितना भी डिफिकल्टीज है, जितना भी है, हम ऐसे नहीं बोला कि डिफिकल्टीज नहीं है, आते रहते डिफिकल्टीज, तभी तो हमारा जो डिफिकल्टीज हम पार करेंगे तभी तो पता चलेगा हमारा कितना वर्थ है। तेलंगाना उर्दू फोरम, मजर एजुकेशनल सोसाइटी और जनाब जी तेलंगाना ह्यूमन राइट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत मुक़दस जनाब जे अल्लाह पाक के अज़ीम शान रहमतों से लबरेज़, उसकी नज़र करम ख़ास से लबरेज़, अल्लाह पाक के रहम करम ख़ास से लबरेज़, उसकी बख्शिशों से लबरेज़, उसकी नज़र करम ख़ास से लबरेज़। ये वो मुक़दस महीना है रमज़ान मुबारक का, जिसमें अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल और करम ख़ास से अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ़ करता है।